अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप सबके सबसे हम बिल्कुल खैरियत से होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फंक्शन जो है वो किसे कहा जाता है इससे रिलेटेड तमाम टर्म्स जैसे डोमेन रेंज को डोमेन इमेज प्रे इमेज और फिगर की मदद से फंक्शन को समझेंगे एग्जांपल्स देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे तो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में कवर करते हुए जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले फंक्शन को समझने की बात करें तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि फंक्शन का ताल्लुक कहाँ से है तो फंक्शन का अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे एक कहाँ से ओरिजिन हुआ है या कहाँ से निकला है तो बेसिकली फंक्शन जो है उसका ताल्लुक है बाइनरी रिलेशन के साथ ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी स्टूडेंट उस वक्त तक फंक्शन को नहीं समझ सकता जब तक उसको पता नहीं है कि बाइनरी रिलेशन जो है वो किसे कहा जाता है तो अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम कि बाइनरी रिलेशन किसे कहा जाता है तो वो ऐसा करें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक रखा है और उस वीडियो में तमाम जो डिटेल बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड थी वो सारी रिकॉर्ड करके मैंने आ, रखी हुई है तो सिंपल लफ्ज़ों में सादा लफ्जों में पहले आप बाइनरी रिलेशन को जाके देखिए मेरी वीडियो को या किसी की भी वीडियो को और जब वो समझ में आए फिर इस वीडियो को यहाँ से देखना शुरू करिएगा ठीक है तो आई होप के अब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बाइनरी रिलेशन जो है वो किसे कहा जाता है तो अब अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन दरअसल बाइनरी रिलेशन का ही नाम होता है या फिर यूँ कह लो कि बाइनरी रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है तो अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी आप लोगों को नजर आ रही है मैपिंग मैपिंग किसे कहा जाता है इसके बारे में बात नहीं की मैंने तो बेसिकली फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज के दो नाम है ठीक है आप चाहे तो फंक्शन कह लो चाहे मैपिंग कह लो तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा तो एक ही चीज़ के दो नाम है ये ये परेशान मत होइएगा फंक्शन की बात दोबारा से करें तो फंक्शन दरअसल बाइनरी रिलेशन ही होते हैं अगर बाइनरी रिलेशन के साथ दो प्रॉपर्टीज हों तो उन दो प्रॉपर्टीज की मौजूदगी में बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाता है ठीक है इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बाइनरी रिलेशन के साथ अगर दो प्रॉपर्टीज होंगी या एक खास सरकम के अंदर बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाते हैं तो जब भी फंक्शन या मैपिंग का वर्ड आए तो आपके माइंड में आना है कि यार ये तो बाइनरी रिलेशन ही है और आ, इस दो कंडीशन होनी चाहिए अगर ये फंक्शन है तो अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक डेफिनेशन रख लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर फंक्शन की और हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो दो प्रॉपर्टीज या दो वो कंडीशन भी आ जाएंगे जिसकी मौजूदगी में बाइनरी रिलेशन फंक्शन कहलाता है ठीक है तो ये डेफिनेशन फंक्शन की आ गई तो क्या डेफिनेशन है सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम सेट्स तो बाइनरी रिलेशन की भी ये डेफिनेशन होती है कि दो सेट्स होते हैं नॉन एम ए और बी ठीक है तो इसकी भी वही हो होगी क्योंकि बाइनरी रिलेशन की तो बात है आगे लिखा रिलेशन यहां पे रिलेशन पे का मतलब क्या है बाइनरी रिलेशन ठीक है ए फ्रॉम टू बी इज फंक्शन ठीक है यानी दो नॉन एम सेट होंगे और उन दोनों नॉन एम सेट में ए, रिलेशन जो है फंक्शन कहलाएगा अगर ये दो कंडीशन मौजूद हों इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ नंबर वन सॉरी ये नंबर वन हो गई हमारी ठीक है और ये नंबर टू uh, हो गए हमारे ठीक है तो इसको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं बस पहली चीज़ अभी तक आपने क्या सीखी uh, अभी तक ये सीखी कि फंक्शंस uh, जो होते हैं वो बाइनरी रिलेशन ही होते हैं अगर दो प्रॉपर्टीज़ uh, उनके अंदर हों या दो कंडीशंस की मौजूदगी में तो अब वो कौन सी हैं पढ़ लेते हैं कि नंबर वन डोमेन यानी कि डोमेन एफ़ मीन यहाँ पे फंक्शन का नाम यानी हर फंक्शन जैसे बाइनरी uh, रिलेशन में एक रिलेशन जो भी सेट होता है उसका हम एक नाम रखते हैं uh, जो कि आर होता है तो यहाँ पर एफ़ से मुराद क्या है फंक्शन ठीक है तो जब भी फंक्शन की बात आएगी तो आ, हम यानी कि वैसे कोई भी नाम रख सकते हैं जी भी रख सकते हैं एच भी रख सकते हैं एफ़ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर जो बात समझाई जा रही है दो सेट्स के हवाले सेट्स का नाम है ए और बी और जिस और फंक्शन का भी कोई भी नाम रख सकते हैं ना जी एच एफ तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में फंक्शन का नाम एफ है ठीक है तो डी का मतलब हो गया डोमेन और एफ का मतलब फंक्शन ठीक है तो यहां से ये बात नहीं जहन में रखनी कि एफ से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये यह, यहाँ पे एफ जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है ये बात आपको मैं समझाना चाहता था ठीक है तो पहली कंडीशन क्या है डोमेन जो फंक्शन की डोमेन है वो ए सेट के बराबर होनी चाहिए अगर फंक्शन जो है ये चीज़ भी आप लोगों को आई होप के बाइनरी रिलेशन की वीडियो देखी होगी तो एफ फ्रॉम ए टू बी यानी कि जो डोमेन होगी फंक्शन की वो ए सेट के बराबर होगी और इनकी तरतीब का भी जैसे अगर बी टू ए कर लेंगे तो अब फंक्शन की डोमेन जो है वो बी के बराबर होगी यानी कि जो पहले होता है उसके हिसाब से बरहाल ये इस तरह से तो मैं आपको और कंफ्यूज कर दूंगा पहले सादा सादा पैटर्न से समझ लीजिए फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ी आ, इस तरह की बारीकियों से भी चीज़ों को समझना आ जाएगा तो पहली चीज़ आ गई सेकेंड थिंग क्या है कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए यानी कि दो सेट्स के दरमियान होता है ना रिलेशन या फंक्शन की बात अगर यहाँ पे की जा रही है तो जैसे एक सेट हो जाएगा ए और एक अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा अभी तो ओवरऑल थोड़ा जोर लगाइए दिमाग के ऊपर इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेंगे तो जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पहली शर्त क्या हो गया कि जो भी हमारा रिलेशन आएगा जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक ओबियसली बात है सेट होगा और उस सेट के अंदर यानी कि ऑर्डर्स पेयर्स होंगे क्योंकि ऐसे ही तो होता है रिलेशन के अंदर ठीक है जैसे फाइव सिक्स यहाँ पे एट नाइन कर देता हूँ यहाँ पे ए बी कर लेता हूँ मिसाल के तौर तो पर समझ रहे हो ठीक है मिसाल के तौर तो पर ये एक फंक्शन है तो इसमें यानी कि ये वाला जो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट नंबर्स होते हैं उनको डोमेन बोला जाता है ठीक है तो ये डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए ठीक है अभी तो सेट ए रखा नहीं हमने इसलिए सिर्फ बात ही को समझा रहा हूँ अभी रखेंगे भी आप परेशान मत होइए तो एक एक चीज तो ये और दूसरी चीज ये कि जो सेकंड की ये बात कर रहे थे कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए यानी कि ए सेट के अंदर जो भी यानी कि एक्स का मतलब क्या है एक्स बिलोंग्स टू यानी ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे आ, उनकी बात एक्स की जा रही है वो सब के सब अपीयर होने चाहिए वन एंड ओनली वन यानी कि उनका ताल्लुक जो है वन एंड ओनली वन यानी एक एक करके होना चाहिए ऑर्डर पेयर के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए इन एफ़ यानी कि एफ़ फंक्शन के अंदर तो ज़बानी थोड़ी सी आपने कोशिश की मेहनत की मुशक्क़त की इसको समझने की अब मैं आ, एक मिसाल लिखता हूँ उसको आ, फिर देखते हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज रोल प्ले करती हैं तो दो सेट्स की बात की जा रही है एक सेट ले लेते हैं यहाँ पर ए आ तो ये नीट करके लिख लिया मैंने ए सेट ये हो गया और एक और सेट ले लेते हैं क्योंकि दो सेट्स की बात की जा रही है डेफिनेशन में तो आ, दो सेट सेट ले लेते हैं बी और आ, वन टू थ्री फोर फाइव तो ये दो सेट्स हो गए आ, जैसे कि डेफिनेशन में नॉन एम होने चाहिए तो ऑब्वियसली खाली तो नहीं है ये नॉन एम सेट्स हो गए इसके बाद जो फंक्शन है उसकी तरफ चलें तो ये फंक्शन एफ ए टू बी तो यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या होगा ए फ्रॉम ए टू बी इसका मतलब क्या होगा कि जो रिलेशन आपका बनेगा बाइनरी रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी के हिसाब से बनेगा जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है तो ए क्रॉस बी के हिसाब से बनेगा तो इधर ए के एलिमेंट आएंगे ठीक है सेट ए के जैसे ज़ीरो वन टू थ्री और इधर जो है वो बी के एलिमेंट आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ये uh, पिछला याद करवा रहा हूँ आपको और uh, फिर इनके uh, जो है वो ऑर्डर्ड uh, पेयर बन जाएंगे ठीक है और ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे ये भी आप लोगों को मालूम है मैं नहीं बताऊंगा तो ऑर्डर पेयर बनने के बाद यहाँ पे इसको हम रिलेशन का नाम दे देते दे थे, थे पीछे ठीक है तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम फंक्शन को समझ रहे हैं तो अब ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में पहले से खुद ही होनी चाहिए कि फंक्शन बनता है कार्डिजिन प्रोडक्ट के अंदर से ठीक है यानी ए क्रॉस बी के अंदर से जो रिलेशन बनता है उसी को फंक्शन कहा जा रहा है तो अब उसने ये बात भी बतानी ज़रूरी थी कि जो रिलेशन है उसमें ए पहले है इससे हमें यह पता चलता है ए टू बी से कि ए का सेट पहले है और बी का सेट बाद में है क्योंकि लोकेशन जो है वो अहम रोल प्ले करती है रिलेशन के अंदर तो ये चीज़ लिखनी यहाँ ज़रूरी नहीं है मैंने बस हाईलाइट कर दिया आपको ऊपर लिखा ही हुआ है आगे चलते हैं इफ़ डोमेन ऑफ ए ठीक है तो अब सबसे पहले हम फंक्शन यहाँ पे कोई बना लेते हैं जैसे तो ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पर लिख लिया जिसके अकॉर्डिंग जो है हम यानी कि एक सेट बनाएंगे आ, तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं सेट बना लेता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि आप लोगों को पिछली बात याद है कि ये ये फंक्शन जो है अब हम क्या कर अगर बैक प्रोसीजर पे जाएं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ए क्रॉस बी मालूम करेंगे जैसे कि अभी बताया और इस ए क्रॉस बी के अंदर से हम एक ये वाला रिलेशन निकाल लेंगे जितने भी होंगे जैसे कि आई होप कि पिछली वीडियो देखी है तो ये चीज़ आपको पता होगी ठीक है तो इस फंक्शन के तहत यानी कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे वो मैं लिख लेता हूँ तो ये मैंने तमाम ऑर्डर पेयर जो है वो लिख लिए इसको डेफिनेशन को रहने देते हैं चलो तो आ, अब ये हमारे पास एक आ, रिलेशन है जिसको एफ से ज़ाहिर किया गया है ठीक है क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है तो अब दो कंडीशंस हम देखेंगे और फिर बता देंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन फंक्शन है ठीक है तो अगेन से मुझे ये चीज़ बार में बार 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 माइंड में आ रही है कि आपको ये क्या पता है कि ये सेट कैसे आया तो अगर ये पता होगा तभी ये चीज़ समझने में मजा आएगा दोबारा तो से बताऊँ तो ये वाला जो सेट है मैंने कहाँ से निकाला है कि इन ए ए बी का एक कार्टीजियन प्रोडक्ट लिया है कार्टिजिन प्रोडक्ट मेरे पास उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर पेयर आए थे और उन ऑर्डर पेयर्स के अंदर से इस वाले रिलेशन के तहत जो ऑर्डर पेयर निकाले वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं ठीक है आ, जैसे कि इसको थोड़ा पीछे करूँ यहाँ पर ये यह सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर से लिखे हैं तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर अगर रिलेशन क्या था कि एक्स वाई सच y जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए x प्लस वन के तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनके अंदर ये वाला रिलेशन मौजूद है अभी देख भी लेते हैं जैसे ये फर्स्ट होता है x और सेकंड होता है प्लेस पे y ठीक है जिसे ऑर्डिनेट बोलते हैं एफ सीसा बोलते हैं तो ये भी x है हमारा और ये y है हमारा ये x है हमारा और ये जो है वो y है ये x है ये y है ठीक है तो अब अगर देखें तो रिलेशन के तहत ये ऑर्डर पेयर क्या रोल फंक्शन पूरा कर रहे हैं तो आप देखें कि x प्लस वन से y आना चाहिए तो ये हमारा x है ज़ीरो में प्लस वन करो तो y यानी कि एक ही आता है और y हमारा एक है ठीक है इसी तरह वन के अंदर अगर हम एक जमा करें ठीक है तो हमारे पास दो आता है तो y देख सकते हैं आप दो ही हमारे पास है इसी तरह टू के अंदर आप एक जमा करें वन प्लस करें तो पीछे थ्री आता है तो y हमारा थ्री ही है थ्री के अंदर वन प्लस करें तो पीछे 4 आता तो फोर आता है तो y तो हमारा फोर है तो इस तरह से फंक्शन रोल प्ले करता है मैंने ए क्रॉस बी के अंदर से तमाम ऐसे ऑर्डर पेयर निकाल लिए जो कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे थे तो अब आ, अभी तक ये जो है वो रिलेशन है ठीक है लेकिन मैं फंक्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेगा इसलिए फंक्शन का वर्ड आ रहा है लेकिन आ, अगर जिस जिस तरह से हम चीज़ों को समझ रहे हैं उस हिसाब से चलें तो अभी तक ये रिलेशन है फंक्शन प्रूफ या फंक्शन साबित नहीं हुआ है तो इसको फंक्शन साबित करने के लिए पहली शायद क्या है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के इक्वल होने चाहिए तो डोमेन कौन सा होता है रिलेशन के अंदर आ, तो डोमेन होता है ये जो आ, फर्स्ट यानी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एप्सिसा होता है या फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर्स होते हैं उनका एक सेट बना लिया जाता है ठीक है इसको डी ओ एम आगे एफ़ लिख लेते हैं ठीक है और इसको अगर बनाएं तो सेट कौन सा बनेगा ज़ीरो वन और टू थ्री ठीक है यही सेट बनता है ना अगर आप ध्यान से देखो तो ये ज़ीरो ये वन ये टू ये थ्री तो ये हमारे पास डोमेन आ गई एफ़ की ठीक है तो ये डोमेन जो है अगर हम देखें पहली शायद के मुताबिक के ए के बराबर होना चाहिए तो हमारा ए का सेट कौन सा है ये वाला जीरो वन टू थ्री तो हमारी डोमेन जो है अब आप देखें ये भी जीरो वन टू थ्री के बराबर है इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जीरो वन टू थ्री ये भी है जीरो वन टू थ्री ये है तो पहली जो प्रॉपर्टी थी या कंडीशन थी या रिक्वायरमेंट थी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए वो हमारी सही साबित हो गई ठीक इसी तरह दूसरी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे टिक डाल देते हैं ये ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई अब सेकेंड की तरफ चले या यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख देते हैं डी ओ एम एफ डोमेन ऑफ एफ जो है वो इक्वल आ गए हमारे ए के ठीक है अब सेकंड की तरफ चलते हैं यहां पे लिख लेते हैं सेकंड सेकंड और second लिखने के बाद ऊपर अगर देखें यहां पर डेफिनेशन में तो क्या बोला जा रहा है एवरी एक्स बिलोंग्स टू अपीयर्स इन ओनली वन एंड वन ऑर्डर इन एफ ठीक है तो अगर हम सिर्फ आपने जो ध्यान देना है एवरी एक्स पे देना है जो कि ए से बिलोंग कर रहे हों तो ए से बिलोंग कौन से कर रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट जो है वो हमेशा ए से बिलोंग करता है ठीक है तो ये वाले लेटर्स जो हैं या नंबर्स जो हैं या जो भी यहाँ पे आपके ऑर्डर पेयर में मौजूद होंगे वो वन एंड ओनली वन टाइम होने चाहिए वो रिपीट नहीं होने चाहिए जैसे इधर अगर बात करें जीरो तो जीरो आप देखें यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है तो जस्ट वन टाइम है ठीक इसी तरह वन जो है सिर्फ इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है, है ठीक है इसी तरह टू जो है वो भी जस्ट वन टाइम है थ्री भी जस्ट वन टाइम है तो वो यानी एवरी एलिमेंट्स यानी कि एक्स का मतलब क्या है वो तमाम एलिमेंट्स या फिर कह लो वो तमाम ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे नंबर्स या जो भी चीज़ है वो एक्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है तो एवरी एक्स जो है जो ए से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिर्फ एक बार होना चाहिए आ, उस ऑर्डर पेयर के अंदर जिसे फंक्शन uh, में रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है तो फंक्शन हमारा ये पूरा है इसके अंदर ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं और इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये हमारे uh, वो तमाम uh, यानी uh, के एलिमेंट्स के फर्स्ट पोजीशन पे नंबर्स हैं और ये सारे जस्ट वन एंड ओनली वन हैं यानी कि एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहे ठीक है और इस चीज़ को जब आप आगे चलेंगे तो इस तरह के फिगर्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ पे इन चीज़ों को जब देखोगे ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ अब पहले एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो ये मैंने यहाँ पर सेकेंड कंक्लूजन लिख लिया कि एवरी एक्स जो के से बिलोंग कर रहा था जस्ट ओनली वन एंड ओनली वन टाइम मौजूद है ऑर्डर पेयर इन एफ के अंदर ठीक है अब इस चीज़ को हम यानी कि सेट्स को हम अगर आ, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सेट को हम पिक्टोरियल वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो हम ऐसा करता हूँ मैं दो सेट्स ले लेता हूँ यानी कि यही दो सेट्स पिक्चर्स की सूरत में बनाता हूं और फिर आपको यही बात यही दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर कैसे आप लोग देखोगे उसके अंदर देखते हैं ठीक है तो हमने ये दो सर्कल्स बना लिए और इन सर्कल्स के अंदर यानी कि इसको नाम दे देते हैं सेट ए का और इसको नाम दे देते हैं सेट बी का और सेट ए हमारे पास ऊपर देखें तो ज़ीरो वन टू थ्री है तो आ, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जीरो पहले सेट में आ, ये जीरो वन टू थ्री लिख लिया और सेकेंड सेट के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वन टू थ्री फोर और फाइव ठीक है तो ये दो सेट्स हो गए इनके दरमियान यानी कि जो फंक्शन बना है वो कौन सा बना है फंक्शन हमारे पास ये वाला बना है ठीक है तो पहले फंक्शन के अकॉर्डिंग जीरो वन है तो जीरो को हम वन के साथ रिलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम एक एरो सीधा करके जीरो को वन से रिलेट कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर ये एरो आ गया ठीक है इसी तरह ऑर्डर पेयर में ऊपर देखें तो कौन सा है आ, वन को टू के साथ तो आ, वन को टू के साथ कर देते हैं ये यहाँ पर आ गया वन को टू के साथ उसके बाद टू को थ्री के साथ ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा आ, मैंने एक बार ही देख लिया और थ्री को फोर के साथ ठीक है तो अब आप देख सकते हो ऊपर टू को थ्री के साथ और थ्री को फोर के साथ तो फंक्शन को फिगर की सूरत में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि दो सर्कल डालो उसके अंदर उनके एलिमेंट्स लिखो आ, और फिर फंक्शन में यानी कि ऑर्डर पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं तो हर एक को इस तरह यानी कि अगर आपको बताऊँ तो आ, ये हमारा पूरा एक ऑर्डर पेयर है ये दूसरा ऑर्डर पेयर है ये तीसरा ऑर्डर पेयर है ये चौथा ऑर्डर पेयर है ठीक है और इनके अंदर ये जो है फर्स्ट पोजिशन पर यह सेट ए से बिलोंग करते हैं और सेकेंड पोजीशन जो होगा ये सेट बी से बिलोंग करते हैं ठीक है ठीके? और वैसे आ, पहले इस बात को ही समझ लेते हैं फिर आ, बाकी टर्म्स को डिस्कस करेंगे तो अब दो कंडीशंस क्या हैं कि डोमेन जो, जो फंक्शन की डोमेन है वो सेट के इक्वल होनी चाहिए तो डोमेन क्या होती है फंक्शन में आ, जो फर्स्ट पोजिशन पर होते हैं उन्हें डोमेन कहा जाता है ठीक है तो आ, ये हमारी क्या है डोमेन ठीक है इसको हाईलाइट कर देते हैं ये हमारे डोमेन है वैसे चलो अभी नाम बता देता हूँ और इसको बोलते हैं कोर डोमेन यानी कि कोर डोमेन में क्या होता है जो पूरा सेट यानी कि वन से लेके फाइव तक जो है उसे कोर डोमेन कहा जाता है और आ, ये पूरा सेट जो है वो डोमेन कहा जाता है अभी रेंज भी डिस्कस करेंगे अभी लेकिन अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलें डोमेन क्या होता है पूरा एक सेट पहला वाला वो डोमेन होता है और सेकंड वाला पूरा को डोमेन होता है ठीक है तो अब आप देखें तो पहली कंडीशन के मुताबिक जो डोमेन होनी चाहिए फंक्शन की वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए तो डोमेन में आ, अगर देखें तो ये वाले फिगर्स ही आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी शर्त पूरी होती है और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ जो कि क्या है वो है यानी कि इस फिगर को देखने के बाद तो आराम से बताया जा सकता है जीरो वन टू थ्री ठीक है ये डोमेन एफ है और ये हमारे पास जो है वो बराबर आ है ए के यानी सेट ए भी यही है और हमारे डोमेन भी यही है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं ठीक है ये चीज़ हो गई हमारी आ, पहली शर्त तो पहली प्रॉपर्टी तो आसान है दूसरी की तरफ दूसरी भी आसान है आ, दूसरी में देखें तो जस्ट वन रिलेशन होने चाहिए पिक्चर के अंदर तो, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो अब आपको सेकेंड भी ऊपर नज़र आ रही है तो एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए ये हमारी ए है और ये सारे इसके एक्स हो गए आ, ये अपीयर होनी चाहिए यानी फिगर के अंदर नज़र भी आ रहे हैं और इसके बाद इन वन एंड ओनली वन तो देखिए ज़ीरो सिर्फ वन के साथ रिलेट हो रहा है यानी कि ये जो फर्स्ट वाली ऐसे जो हैं यानी कि ये जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है ये जस्ट वन टाइम रिलेट होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी वो एग्जाम्पल्स भी रखूँगा कि ये जीरो वन के साथ भी और जीरो टू के साथ भी है तो ऐसे में ये सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होगी या सेकंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चला जाएगा हमेशा जो A का एक एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक से ही बिलोंग करेगा सामने वाला ये हो सकता है कि ये जीरो और वन जो है दोनों एक से बिलोंग कर रहे हैं ऐसे ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ से एक मैं वो एग्जांपल लिखता हूँ दूसरी वाली और फिर आपसे पूछता हूँ कि वो यानी कि फंक्शन है या नहीं है ठीक है तो ये एक जैसे आपको नज़र आ गया इसमें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो फंक्शन है ठीक है अब एक और इसको ऊपर करते हैं एक आ, दो सेट्स और लिखता हूँ मैं यहाँ पर तो ये दो यानी कि सर्कल्स डालिए ये, ये हमारा हो गया सेट ए और ये हमारा हो गया सेट बी और सेट ए के अंदर ए बी सी डी लिख देते हैं तो ए बी सी डी ठीक है और आ, इसके अंदर लिख देते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ठीक है और इसको अगर मैं मिला दूँ जैसे इसको वन के साथ भी मिला दूँ ठीक है यहाँ से और इसको टू uh, के साथ भी मिलाता हूँ ठीक है uh, तो ये यहाँ पे टू के साथ मिल गया और बी को जो है मैं uh, यहाँ पे थ्री के साथ यानी कि ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ और सी uh, को मैं फोर के साथ ऑर्डर पेयर में लिख लेता हूँ और फिर डी uh, को भी मैं फोर के साथ रिलेट कर लेता हूँ ठीक है अब देखते हैं वो दोनों कंडीशन होती है या नहीं होती तो पहली कंडीशन क्या है कि uh, जो सेट वो ए होता है उसकी uh, वो इक्वल होना चाहिए डोमेन के ठीक है तो ये हमारी क्या है डोमेन ठीक है तो पहली कंडीशन आ गई आ, के सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और भी मैंने आपको बतानी थी ऊपर जाके आ, पहले ये भी बता देता हूँ कि इन फिगर्स में फंक्शन को तो हमने रिलेट ही नहीं किया ऐसे करके ऐसे फंक्शन को सॉरी कर्व की सूरत में होता है आ, ऐसे करके ऐसे ठीक है और ये हमारा यहाँ पे इस फंक्शन को f का नाम दिया जा रहा है तो यहाँ पे f लिख देते हैं तो ये यानी ये डालना जरूरी होता है वरना यानी फंक्शन आपका पूरा नहीं होता ठीक है ये एफ ऐसे ठीक है तो इस इधर फंक्शन को एफ़ कहा गया है इधर फंक्शन को जो है हम कोई और नाम दे देते हैं जैसे हम जी एक नाम दे देते हैं ठीक है और अब हम देखेंगे यहाँ पे पहली कंडीशन सॉरी एक तो स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाती है फिगर्स में बड़ी बना लेता हूँ तो फर्स्ट में क्या था कि डोमेन ऑफ एफ के बजाय अब जी आ जाएगा और ये होनी चाहिए सेट ए के इक्वल ठीक है तो आ, इसकी डोमेन क्या है अगर हम देखें तो ए बी सी डी तो यहाँ पे आ, हम सेट ए देखें तो वो क्या है ए बी सी डी ठीक है तो वो ए बी सी डी है और डोमेन जो है वो भी हमारी ए बी सी डी है ठीक है तो एड्स मीन के ये दोनों इक्वल हैं पहली कंडीशन तो यानी कि हमारी पूरी होती है ठीक है और अब दूसरी की तरफ चलते हैं तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे लिखते हैं सेकंड सेकंड में क्या होता है कि आ, ये जो एवरी एलिमेंट है सेट ए का ठीक है आ, ये वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए सामने तो अब द, अब आप देखें कि ए जो है वो एक से भी रिलेट हो रहा है और ए जो है वो आ, टू से भी रिलेट हो रहा है तो ऐसे सिनेरियो में यानी कि ये यानी अगर फंक्शन की सूरत में ऑर्डर पेयर बनाएं तो जैसे अगर मैं ये तो फिगर्स की सूरत में ना सेट की सूरत में बनाऊँ यहाँ छोटा सा करके ये जी हो जाता ठीक है और यहाँ पे हम क्या बनाते ए और उसके बाद ए को एक बार वन के साथ रिलेट करते ए को एक बार टू के साथ करते और ऐसे आगे चल रहा होता तो आप अब देखिए ए जो है वो यहाँ पे भी है और ए जो है वो यहाँ पे भी है जबकि अभी हमने क्या सीखा है कि सिर्फ वन टाइम होना चाहिए फंक्शन के अंदर कोई भी जो एक नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए जबकि इसमें रिपीट हो रहा है तो आ, ये चीज़ आपको बतानी थी कि ये आप सेकंड जो कंडीशन है हमारी सॉरी नज़र नहीं आ रहा उ, इसको उसको ये पूरा नहीं करता फुलफ़िल नहीं करता तो इसलिए ये हमारा सॉरी फंक्शन जो है वो आ, नहीं है ठीक है तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी आ, अगर इसको हम आ, जैसे कि बता चुका मैं कि आप बस ये जहन में रखिएगा जब भी फिगर्स की सूरत में आए तो इधर से कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ है वो टू टाइम्स यानी कि ना जुड़ी हुई होनी चाहिए उनका हमेशा ओनली वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए जैसे कि ऊपर था ऊपर और नीचे वाली फ़िगर में फ़र्क ही ये है जैसे आप देखें कि ऊपर वाली में सारी वन एंड ओनली वन है ठीक है जबकि इधर जो है वन टू के साथ रिलेट कर रहा है दैट्स वाई के ये हमारा फंक्शन जो है वो नहीं है ठीक है यहाँ पे लिख लेता हूँ फंक्शन और यहाँ पे डाल देता हूँ क्रॉस एक कंडीशन तो ये होती है फंक्शन जैसे एक ये नहीं था एक और केस भी हो सकता है उस सिनेरियो में फिर दो इस तरह की फिगर्स हमें बनानी पड़ेंगी मैं बना लेता हूँ तो ये एक और फिगर बन गई क्या ये फंक्शन है तो फंक्शन के लिए हम ऐसे कर देते हैं इस फंक्शन को नाम दे देते हैं एच का ठीक है और इसके अंदर जो रिलेशन हम बनाएं आ, अगर मैं इसको कर दूं इसके साथ ठीक है ऑर्डर पर इसका इसके साथ बना दूं इसका मैं इसके साथ बना दूं और इसका मैं इसके साथ बना दूं ठीक है तो पीछे जो है ये बाकी रह जाता है तो ऐसे सूरत में ये फंक्शन होगा तो अगर हम पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें आ, तो पहली कंडीशन में क्या है ये सेट ए है हमारा ठीक है और ये सेट बी है हमारा ठीक है तो पहली कंडीशन में आ, जो डोमेन होती है इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा डोमेन होती है सिर्फ डी ओ एम ही काफी है और यहाँ पे डोमेन ऑफ एच वो होना चाहिए सेट ए के इक्वल तो आ डोमेन हमारी क्या है आ डोमेन हमारी है ए बी सी ठीक है क्योंकि डोमेन में ये चीज़ याद है ना कि जो ऑर्डर स्पेर्स की सूरत में होते हैं यानी कि जैसे ए को यहाँ पे टू के साथ रिलेट किया जा रहा है एच के अंदर ठीक है थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और अब बी को जो है वो फोर के साथ किया जा रहा है और सी को जो है वो आ, सिक्स के साथ किया जा रहा है तो ऐसे करके ये फंक्शन बन रहा है तो अब अब आप देखें डोमेन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्डर पेयर के अंदर मौजूद होते हैं तो ए बी सी तो डोमेन हमारे वहाँ गई ए बी सी जबकि सेट ए क्या है वो है ए बी सी डी इसके अंदर चार एलिमेंट है तो इट्स मीन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में दूसरी कंडीशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं ये हमारा फंक्शन नहीं है तो ये चीज़ इस तरह से रोल प्ले करती है आई होप के समझ में आया होगा जो भी मैं समझ पाया जिस तरह से भी समझ पाया है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया होगा ठीक है और ध्यान रखने के लिए बस आप ये बात याद रखिए कि दो कंडीशन है ना तो यानी कि एक, एक एक्स्ट्रा जब नंबर या चीज़ होगी पहले सेट के अंदर तब भी वो फंक्शन नहीं होता ठीक है एक चीज़ ये होगी और दूसरी शर्त आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले जैसे इसको मैं एक बार मिटा दूँ इसके कोई भी फर्स्ट सेट के अंदर टू टाइम्स किसी एक के साथ नहीं मिलना चाहिए यानी कि फर्स्ट के अंदर जैसे ए है वो टू टाइम्स रिलेशन बना रहा है या ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है वन और टू के साथ तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए हाँ ऐसा हो सकता है कि जैसे सी जो है वो फोर के साथ भी मिल रहा है और डी जो है वो फोर यानी इधर बेशक टू टाइम्स बना लें लेकिन इस वाले हिस्से में हर फिगर इंडिविजुअली वन एंड ओनली वन तौर पर दूसरी तरफ जाना चाहिए जो कि इसमें नहीं जा रहा बल्कि किसमें जा रहा है इसके अंदर वो जा रहा है बाकी इसके टाइप्स हैं इस वीडियो के अंदर मैं टाइप्स की भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा तो वो भी आप देख लीजिएगा आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी ठीक है लास्ट एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये यहां पर जो नंबर होते हैं जैसे टू फोर सिक्स है इसे हम इमेज बोलते हैं ठीक है यानी टू बी है और ये भी इमेज है और सिक्स भी हमारा इमेज है ठीक है और जबकि ये जो है हमारा प्री इमेज है तो इमेज का मतलब क्या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए का इमेज मतलब तस्वीर होता है जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे सामने जो है आ, वो यानी कि हम अपने आप को देख पाते हैं वो हमारा इमेज होता है तो ठीक इसी तरह जो पहला सेट होता है उसका उसके सामने उस ऑर्डर पेयर में वो जिससे रिलेट होता है उसको इमेज बोला जाता है ठीक है तो ये अगर इमेज है तो इसका उलट जो है वो पिछला जिससे रिलेट हो रहा है उसे प्री इमेज कहा जाता है एक ये चीज़ याद रखिएगा और दूसरा ये कि जैसे इसको फंक्शन बोला जाता है तो इसको मैपिंग भी बोला जाता है तो मैपिंग मतलब कि आप किस तरह से मैप कर रहे हो एक सेट को दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो ठीक है तो ये फंक्शन ये मैपिंग और इमेज की चीज़ भी हो सकता है आप लोगों के माइंड में आया तो ये भी आपने सीख लिया तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बाकी अगली वीडियो जो है उसके अंदर समझ लीजिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कुछ बुरा लगा हो गलती हो गई हो तो उसे इग्नोर करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा ठीक है शुक्रिया हाफिज़